बहुत ही बकवास लगी मुझे, मुझे नहीं अच्छी लगी। आई रियली फेल्ट वेरी डिसअपॉइंटेड अक्षय सर से। रीज़न यही है, वो बैक टू बैक इतने सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें एक साल में दो प्रोजेक्ट करने चाहिए और उसी पे मेहनत करनी चाहिए, उससे ही फिर मूवीज़ अच्छी बनेंगी, वरना ऐसी फिर डिज़ास्टर बनता है। उनकी ज़रूरत नहीं थी इस मूवी में, सच बताऊँ तो। ठीक है, उन्होंने अपने पार्ट निभाए हैं, विच वॉज गुड, बट ओके ओवरऑल मूवी मुझे नहीं अच्छी लगी। वन टाइम वॉच है, दैट्स इट। एक्चुअली नहीं भी कह सकते हो कि उन्होंने अच्छी मूवी बनाने की कोशिश तो की है, बट वो खरी नहीं उतरी पाई। VFX इश्यूज तो है ही, बिकॉज मुझे बहुत फनी लगा वो, क्योंकि ट्रेलर में जैसे बताया था वैसे इतना अच्छा नहीं लगा वो। और जो कंपैरिजन करा है उन्होंने उस मकर जो उन्होंने एक बनाया है सीन, दे कंपेयर टू आयरन मैन विच वॉज अगेन वेरी फनी, तो मुझे बहुत फनी लगा। टू स्टार्स। वन टाइम वॉच, हाँ बोर हो जाएगी पब्लिक, नहीं है वर्थ नहीं है। ओके, द मूवी वॉज गुड, वर्थ वाइल वॉचिंग, मतलब यू कांट से इट इज एक्सेप्शनल बट इट वॉज गुड मूवी। ही फिट्स इन एनी रोल विच आई कैन सी, he's a very good actor. रिलीजन के ऊपर है तो एक बार देखने का मन भी करता है कि देखना है एक बार आराम से, मतलब क्या नया हमको और जानने मिलता है वो सोच के गए। ओके, दे आर गुड एक्टर्स, म्यूजिक वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेट, डायरेक्शन ऑब्वियसली, मतलब एवरीथिंग वॉज गुड। आई गिव 4. You can watch the second time also. Not a bad movie. Film was very good. I loved it personally, and for the young generation also, this film was very impactful, and it brought awareness of the religion, of the tradition and culture of India. And the acting was also very good. The plot and the mix of genres was also very different and informative. The character of his was very different, and he had the power of the movie, so he acted also very well. They are also very good actresses, and they, as side actresses, they were really good. Out of 4. ओवरऑल मूवी बहुत अच्छी है, और जो उनका कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा है, और कॉन्सेप्ट से भी ज़्यादा मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि उसका जो प्रेजेंटेशन है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसको इतना ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है कि दूसरे धर्म के लोगों को इससे कोई आपत्ति नहीं होंगी और ना ही होनी चाहिए, कोई कॉन्ट्रोवर्सी मुद्दा नहीं है। और जो एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी वो ये है कि म्यूज़िक का सही यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि एक ये धार्मिक मुद्दा है जो कि हमारे इमोशन से कनेक्ट करता है, और म्यूज़िक हमारे इमोशंस को इन्हांस करती है, तो म्यूज़िक का सही यूज़ नहीं किया गया। हाँ, ओवरऑल एक्टिंग के पर्पस, एक्टिंग, डायरेक्शन सब कुछ बहुत अच्छा था, सिर्फ दो चीज़ें, एक म्यूज़िक और दूसरा क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में अपनी बात को वर्बली कन्विंस करने की कोशिश की गई, जो कि मुझे थोड़ा कम लगा। 3। हाँ हाँ देख सकते हैं, लेकिन मैं OTT पे देखूंगी दोबारा। बहुत बढ़िया मूवी है भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत, मैं खास तो कुछ नहीं, रामचंद्र जी के ऊपर बनाई गई है पिक्चर, जो रामचंद्र जी ने पुल बनाया था ना, जब रामचंद्र जी श्रीलंका गए थे ना, उस टाइम जो बनाया था हनुमान जी की जो वानर सेना है रामचंद्र जी को जाने के लिए, उसी के ऊपर पिक्चर बनाई गई है कि ये रामचंद्र जी ने बनाया है या उससे पहला है, उसी के ऊपर बात है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा काम किया उन्होंने, 5 में से 5 देंगे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देखूंगा दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद यार। सबसे पहले सभी को हैप्पी दिवाली, और बहुत सी फिल्म लगी मुझे राम सेतु, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आया हूँ, जैसे कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। हिंदुस्तान के बाहर राम जी का, यानी कि हमारे हिंदुस्तान के भगवान का अस्तित्व लोग नहीं जानते, नहीं मानते, तो मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के अंदर में राम का अस्तित्व है, और साथ ही साथ राम सेतु का अस्तित्व है, क्योंकि
हम अपने कल्चर्स को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे दिवाली की बात अगर कही जाए तो दिवाली के दिन राम जी अयोध्या आए थे चलकर, तो उस दिन दिवाली के दिन राम जी को याद किया जाता है और घरों को रोशन किया जाता है कि उस दिन राम जी आए थे। बट कुछ लोग पटाखों में अपनी ज़िंदगी मिठाइयों में निकाल देते हैं। हिंदुस्तान के अंदर में एक ऐसा सच जो राम सेतु है उसको इस फिल्म के अंदर में दिखाया गया है, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है वापस से आउट ऑफ कंट्री, अदर कंट्रीज़ के अंदर में लोगों को बताता है ये फिल्म कि हमारे हिंदुस्तान में राम का अस्तित्व है, लंका का अस्तित्व है और साथ ही साथ सीता का अस्तित्व है। इस फिल्म के अंदर अगर आप फिल्म देखेंगे तो फिल्म के अंदर जो जर्नी शुरू हुई है राम जी की, राम सेतु की, तो फ्लोटिंग जो स्टोन होता है वो, और साथ ही साथ हमारे लंकापति लंका प्लस जो संजीवनी बूटी है उसके बारे में। ये बताइए ये जो कॉन्सेप्ट है कितना ज़्यादा डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पर्दे पे बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो पाया है, क्योंकि सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट था, वो कहानी में म्यूजिक थोड़ा सा टच ही नहीं था जो लोगों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। इवन कहानी इतनी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू थी कि 2 घंटे कब बीत गए पता भी नहीं चला मुझे। और साथ ही साथ कहूँगा कि इस फिल्म के अंदर में एपी को ज़रूर देखें आप लोग, एपी वो है जो राम के हमेशा साथ होता है और इस फिल्म में आपके साथ होगा। जैकलीन और नुसरत दोनों अलग अलग जगह पे अपने एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, पर नुसरत जी का एक कैमियो था। जैकलीन ने काम एक श्रीलंका के हैं, वो तो श्रीलंका के होने के साथ साथ जैकलीन इससे कनेक्ट भी हो पाई है अक्षय कुमार जी के साथ, और श्रीलंका की जो जर्नी स्टार्ट होती है उसमें भी कनेक्ट हो पाई है। उनका काम बहुत अच्छा था, स्मूथली वर्क किया है, और वैसे अक्षय सर सीनियर हैं ही, उनको वैसे समझा बुझा के काम करा ही लेते हैं। 4 हाँ वापस से देख सकते हैं एक बार और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक समय में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट नहीं हो पाया, मुझे लगता है वापस से देखिए फिर समझना पड़ेगा, पर बहुत अच्छी फिल्म थी। थैंक यू। मूवी इज़ गुड, आई थिंक इट कुड हैव बीन बेटर। मुझे थोड़ी एवरेज लगी, हालांकि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, पहली बार ट्राई किया गया है, अभिषेक शर्मा का डायरेक्शन अच्छा है, असीम मिश्रा की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, एडिटिंग और अच्छी हो सकती थी रमेश्वर भगत की, बट और म्यूज़िक भी अच्छा हो सकता था, और बट अच्छा है, सब्जेक्ट अच्छा है, डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, तो ओवरऑल स्क्रिप्ट इज़ गुड बट एग्जीक्यूशन कुड हैव बीन बेटर। जैकलीन इज़ मिसकास्ट, आई थिंक और कोई एक्ट्रेस को लेती तो अच्छा था, शी कैन बेयरली स्पीक, इम्प्रोवाइज नहीं किया उन्होंने, और जैसे वो नॉर्मली बात करती है अपने एक्सेंट में वैसी बात की है, तो अक्षय कुमार जी के साथ कोई और एक्ट्रेस, अभी मिशन मंगल में देखी विद्या बालन कैसे कॉम्प्लीमेंट किया उनको, तो उस तरह से थोड़ी सी मायूसी हुई। ओवरऑल मूवी इज़ गुड, सब्जेक्ट इज़ गुड, कुछ नया ट्राई किया डायरेक्टर्स ने, बट एग्जीक्यूशन और अच्छा हो सकता था। ये है कि वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और वो उनको एविडेंस लानी है एज एन आर्कियोलॉजिस्ट के, जो हमारी सभ्यता है वो 7,000 साल पुरानी है और वो मैन मेड स्ट्रक्चर है राम सेतु, तो वही है कि लास्ट में उनके पक्ष में जो कोर्ट वाले सीन्स है उसमें डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, अक्षय कुमार के सीन्स बहुत अच्छे हैं, बट उनके साथ अगर कोई और अच्छी एक्ट्रेस होती, सत्यदेव एक एक्टर है, उनका भी अच्छा रोल है, बट कहीं ना कहीं मुझे मायूसी हुई, क्योंकि हम लोग ओवरऑल मूवी देखते हैं, फर्स्ट हाफ इज़ एवरेज, सेकेंड हाफ बिलो एवरेज हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सीन्स बोरिंग और मोनोटोनस हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आई स्टिल गिव गो विद 3 स्टार्स, नहीं तो मैं 2.5 देता, बट अक्षय कुमार जी ने बहुत कन्विंसिंगली अपने रोल निभाया और बहुत डिफरेंट लुक था, तो आई विल गो विद 3 स्टार्स, बट एडिटिंग और म्यूजिक की वजह से डिसअपॉइंट हुआ। डेफिनेटली 1 टाइम, आज मैंने थैंक गॉड भी देखी, वो भी मुझे एवरेज ही लगी, तो मुझे लगता है कि डायरेक्टर शुड यू नो पुल अप द सॉक्स एंड मेक समथिंग बेटर।